नमस्कार दोस्तों, मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में आज आपका स्वागत है। हम आज कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे पहला आत्मा में और ब्रह्मा में, दूसरा कर्मकांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में, चौथा मात्र शक्ति में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्र शक्ति में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे पहला लॉर्ड मैकाले, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा लॉर्ड क्लाइव और चौथा कर्नल टॉड। इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम सहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधो स्वरूप वत्स एवं वीवी राव। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, दयाराम सहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा है मोहन जोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन जोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। इसका पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा उत्तर प्रागैतिहासिक काल, चौथा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था पहला लाल, दूसरा नीला हरा, तीसरा पांडु, चौथा है नीला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब नदी के किनारे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, तीसरा वैदिक संहिताओं में, चौथा है चांदी की आहत मुद्राओं में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला पुराना शहर कौन था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल
और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है।